2019 के लेटेस्ट प्रोडक्ट है सर। इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर? ये आप बॉडी में लगा सकते हो। इसका नाम है सफायर। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें बना सकते हो, टमाटर और चुकंदर सब्जियों का सूप विदाउट वाटर है। राइस बनेगा? चालू हो गया, फिर टच करूंगा, फिर चालू फिर टच करूंगा। गोगो द अरोमा शॉप पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप देख सकते हो काफी 1700 का आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये 2019 के लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं और जो मार्केट में बिल्कुल नए आए हैं, और इनका जो ये है 1910 से चला आ रहा है, काफ़ी पुराना है। सर इसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 6000 का। ये 100 ml का है। और ये कौन सा है सर? ये सफायर है और ये सईरा। सेम प्राइस है 6000 का। ये जो आप पर्पल कह रहे थे इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर? इसका प्राइस पड़ेगा 4000 का। कितने ml का है सर ये? 100 ml। ये भी 100 ml का है। तो मोस्टली देखा जाए सारे 100 ml के ही मोस्टली जितने भी परफ्यूम्स हैं इस टाइम। हाँ ये 50 ml है। ओ तो आप ओके, मैं चेक करके बोलूँ। तो आप देख सकते हो इसकी जो इसका स्मेल काफ़ी अच्छा है, मैंने स्मेल करके देखा है, काफ़ी लाइट स्मेल है। और ये 50 ml का है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर? इसका पड़ेगा 3800 का, मतलब 3800 का पड़ेगा। और इसके परफ्यूम के अलावा इनके पास जेल्स भी हैं, जैसे ये जेल है, ये आप बॉडी में लगा सकते हो। इसको बॉडी में लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्मेल आती है। अच्छा, तो इस बॉडी ये जो आप जेल देख रहे हो ये ओनली लेडीज़ के लिए है। ये जो लेडीज़ है अपने बॉडी में लगा सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इनकी जो स्मेल है वो कितने टाइम तक बॉडी में रहती है? नहीं नहाएंगे। ओके, वन डे। आप देख सकते हो इसकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो एक दिन तक रहती है। अगर आप मान लो ठंड का टाइम आ रहा है, मैं भी हूँ, कभी और नहीं नहाता तो 2 दिन तक स्मेल रहेगी। आप देख सकते हो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और इनमें केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। और ये क्या था सर? ये आपने जो बताया था, ये आयरिस है, ये आयरिस। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सेम चीज़ होगी लेडीज़ के लिए होगी ये भी? तो आप देख सकते हो ये जो जेल है और आयरिस जो भी होता है। ओके, जो जेल और आयरिस आप देख सकते हो ये लेडीज़ इस्तेमाल करती है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर जेल वाले का? ये पड़ेगा 1800 का। तो दोनों का सेम प्राइस है 1800 का। कितने ml का होगा सर ये? ये ml नहीं है, ये ग्राम। अच्छा, ग्राम्स में। ओके, 250 ग्राम का होगा? नहीं नहीं, 40 ग्राम। अच्छा, 40 ग्राम्स का है। तो दोनों सेम है, 40 ग्राम्स का है, देख सकते हो। हाँ, ये ब्रूज, ये वेरी पॉपुलर है, ये अरब लोग भी पसंद करते हैं, इंडियन भी पसंद करते हैं। यानी इसकी अगर खुशबू देखें, 100 ml है, अब प्राइस भी इसकी है। हाँ, ये खुशबू है। स्मेल कैसी है सर इसकी? स्मेल तो बढ़िया, स्मेल बढ़िया है। लाइट है कि हार्ड है सर? लाइट, सब एक दूसरे से अलग है। ये भी देखें, इसका नाम है सफायर। ये हार्ड है, एक ये भी है, एक सहील है। ये इंटरनेशनल ब्रांड की तरह है ये। मेरा नाम मोहम्मद रहीन है, मैं बहरीन से आया हूँ। हम लोग 6 साल हो गए आते हुए। हर टाइम जब हम लोग आते हैं तो न्यू फ्रेगरेंस लेके आते हैं। इस बार भी नए फ्रेगरेंस है जो कस्टमर पसंद कर रहे हैं, और यहाँ के मुताबिक है। जो पहले जो हम लोग आए थे तो उतना हम लोग को पता नहीं था। अब भी हम लोग के पास ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर हैं जो उनको पसंद आता है परफ्यूम। और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, माकूल प्राइस है। और हम लोग यहाँ पे शोरूम खोलने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हुआ नहीं लेकिन करने वाले हैं। और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू। ओके, we'll be right back.
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मल्टी स्टीम कुकर, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे ये छोले है और आप देख सकते हो वो सामने बिल्कुल चावल है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यह चावल और यह कॉर्न देख सकते हो आप, और इसके अंदर डाला हुआ है क्या, करेला, और इसके अंदर क्या सर, ये टमाटो और चुकंदर, तो आप देख सकते हो सूप भी आ जाएगा। कितनी बढ़िया चीज़ है सर। इसका प्राइस क्या पड़ेगा, इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 3500। मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ इसका जो टेस्ट है कैसा है। इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर स्टीम हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये है छोले, ये राइस, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप वेजिटेबल सब्जियों को भी ऐसे स्टीम कर सकते हो, देख रहे हो सब्जियों का सूप विदाउट वाटर है, प्योर सूप है, पानी बिल्कुल नहीं डाल रखा इसमें, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। ये भी विदाउट वाटर सूप है, दिखा, ये ढोकला आप देख सकते हो, ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं बना सकते, वो चीज़ नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें हर प्रकार की वैरायटीज़ को यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका प्राइस तो मैं बता ही चुका हूँ क्या है। आपका नाम क्या है सर? इनका नाम है पवन। ये कुकर है स्टीम कुकर, इसमें एक लीटर पानी डालना है, पानी डालने के बाद टर्बो लगाना है, 30 सेकंड में पानी गर्म होगा। आपको किसी भी चीज़ का सूप बनाना है तो ये खाली रखना है, ये खाली रखना है, इसको निकालो, ये खाली किया, इसमें मिक्स वेज किया, टमाटो भी एंड करेला कट करने के बाद इसको कवर करना है, 20 मिनट का टाइमर लगाना है, सब्जियों का प्योर स्टॉक आ जाएगा, प्योर एकदम छान, इधर से हम निकाल सकते हैं। आपको राइस बनाना है तो राइस बना लो, ऐसा राइस बनेगा और नीचे वेजिटेबल सब्जियां बनेगा, एक साथ में इडली बना लो इसके अंदर, और नॉर्मल है, घर में मोबाइल चार्ज करते हो ना 600 वाट का है, 1.5 घंटा चलाते हो तब इसका 1 यूनिट आता है, घर में प्रेस मिक्सी लेते हो ना वो भी 1000 से 1200 वाट का होता है, ये मात्र 600 वाट का है, 1.5 घंटे में 1 यूनिट। इसके साथ एक मेनू बुक आता है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें किसके लिए कितना टाइम लगाना है सब कुछ दिया हुआ है, किसके लिए कितना टाइम होता है ना ये सब कुछ दिया हुआ है, ढोकले के लिए, बॉमोस के लिए, सब के लिए कितना टाइमर, लाइट को 2 साल की वारंटी गारंटी सब कुछ आता है। इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। सर आपका नाम क्या है? इनका नाम पूरन सिंह है। इनसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है स्टीमो, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट है, ये चलेगा कैंडल से और ये चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से, तो इनसे जानते हैं इनका जो प्राइस है वो क्या पड़ेगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका जो प्राइस है वो क्या पड़ेगा। ओके ये 100 का पड़ेगा, ये पड़ेगा 200 का, ये पड़ेगा 300 का, तो आप देख सकते हो ये जलेंगे कैंडल से, और इनसे जलने के बाद जो फ्रेग्रेंट आती है काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके पास कौन कौन से फ्रेग्रेंट है? लेमन ग्रास मिल जाएगा, और एक्वा मिल जाएगा, लेवेंडर मिल जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे फ्रेग्रेंट आपको मिल जाएंगे। ये जो फ्रेग्रेंट है ये लेमन है। जानना चाहता हूँ ये फ्रेग्रेंट अगर बंदा लेना चाहे तो कितने का पड़ेगा एक फ्रेग्रेंट? ओके ये पड़ेगा 100 रुपये का, 12 ml का है, और ये पड़ेगा कितने का? ये पड़ेगा 200 का, तो आप देख सकते हो कितने ml का सर ये 30 ml का, और ये इलेक्ट्रिसिटी ये चलेगा किससे? लाइट। में आपसे जानना चाहता हूँ सर इसमें क्या बैटरी यूज़ होता है? तो ये सारा स्विच वाला है, इसमें बैटरी यूज़ नहीं होती, और जो यहाँ पे डाला जाता है पानी, और इसके ऊपर डाला जाता है फ्रेग्रेंट जो अभी आपको मैंने दिखाया था, और उसके बाद इसको जला दिया जाता है जैसे अभी जल रहा है। उसके बाद क्या है, जैसे ये जल चुका है आप देख सकते हो ये यूज़ हो चुका है, तो जैसे जैसे ये जलेगा भाप बनेगी वैसे वैसे स्मेल आती जाएगी, और इनका जो स्मेल है काफ़ी अच्छा है, लेमन वाला सबसे बेस्ट है। सर ये जो प्रोडक्ट है ये क्या चीज़ है? ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नाइट लैंप है, और इसके ऊपर आप पानी डाल के और फ्रेग्रेंट डाल सकते हो, जैसे जैसे वो भाप बनेगी वैसे वैसे स्मेल आती जाएगी,
तो ये दोनों काम करेगा, नाइट लैम्प का भी काम करेगा, फ्रेग्रेंस का भी काम करेगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनका जो प्राइस है वो क्या पड़ेगा ऊपर वाले का? ये 300 का है और ये जो आप नीचे का देख रहे हो ये 200 का है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। सर इनका प्राइस क्या पड़ेगा? ओके ये पड़ेगा 1200 का, और ये वाला कितने का पड़ेगा? ओके तो आप देख सकते हो ये पड़ेगा 900 में, क्रिस्टल ग्लास है और टच में भी है। देखिए जैसे मैं इसे टच करूंगा बंद हो गया, फिर टच करूंगा चालू हो गया, फिर टच करूंगा फिर चालू हो गया, फिर टच करूंगा, ये देखिए इस तरीके से है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो स्टॉल है कौन सा है? तो आप देख सकते हो ये जो शॉप है द अरोमा शॉप के नाम से, और ये जो कौन से स्टॉल में लगा हुआ है? ये इनका जो स्टॉल लगा हुआ है वो 11 नंबर हॉल में लगा हुआ है। गोगो द अरोमा शॉप, तो आप देख सकते हो ये इनकी शॉप। इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों ये था सुपर हीरो जो चलता है सेंसर से। सर इसका प्राइस क्या पड़ेगा? इसका प्राइस 350 है, आप देख सकते हो। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बार रिचार्ज करने के बाद ही कितनी देर तक चल सकता है? 10 मिनट चार्ज करेंगे, आधा घंटा फ्लाइंग कर सकते हैं सर। 10 मिनट रिचार्ज कर सकते हो, उसके बाद ही आधे घंटे तक फ्लाई करेगा, गिरेगा नहीं, ये गिरेगा भी नहीं कहीं भी, जमीन पे लैंड नहीं होता, टिक ऑफ होता रहता है। आप देख सकते हो जमीन में बिल्कुल भी लैंड नहीं होता, अप डाउन होता ही रहता है। तो आप देख सकते हो फुल सेंसर है, हाथ लगाएंगे ऊपर जाएगा 12-15 फीट तक। तो आप देख सकते हो फुल सेंसर है, 12-15 फीट तक ऊपर जा सकता है ये। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मिनियंस भी है, मिनियंस भी है, हाँ आप देख सकते हो ये मिनियंस है। तो सेम प्राइस होगा, सेम प्राइस है, करेक्टर चेंज हो गया, करेक्टर चेंज हो चुका है। ये एक बार टेस्ट करके दिखाएंगे, ये है मिनियंस। तो दोस्तों ये है जैद कोमल, आप देख सकते हो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑयल इन इसके अलावा आपको लोशन में भी मिल जाएगा, तो ये है लोशन में और ये ऑयल, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो है हर्बल प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। तो मैम इसका प्राइस आपने क्या बताया? ये है 150 का और बड़ा वाला कितने का? 350 का है। तो आप देख सकते हो जो बड़ा साइज़ है वो पड़ेगा 350 का, छोटा साइज पड़ेगा 150 का। तो और ये जो लोशन है इसका प्राइस क्या पड़ेगा मैम? ओके ओके 300। तो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 300 का, और ये बड़ा वाला कितने का बताया मैम आपने? ये है 1500 का, अगर आप बड़ा साइज़ लेना चाहोगे तो वो पड़ेगा 1500 का, ये वाला साइज़ पड़ेगा आपका 300 का। तो आप देख सकते हो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, वो लोशन में है, ये ऑयल में है, और दोनों जो काम करते हैं वो सेम काम करते हैं, और ये सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता हमारी बॉडी में, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। और जो ये प्रोडक्ट है ये थाईलैंड का प्रोडक्ट आप देख सकते हो। मैम आपने ये प्रोडक्ट बताया था वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है और क्या यूज़ होता है इसका? ओके ओके तो आप देख सकते हो ये हेडेक है, माइग्रेन है और कोल्ड है उसके लिए सबसे बेस्ट है। और इसका प्राइस क्या पड़ेगा मैम? इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 300। ये भी हर्बल प्रोडक्ट है, यहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी ईयरिंग्स देखने को मिल जाएंगी, सारी जो ईयरिंग्स है वो आर्टिफिशियल है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इसके अंदर। अगर आप 5 पेयर खरीदोगे तो आपको उसके साथ एक फ्री मिलेगा, और जो ईच पेयर है वो 100 रुपीज़ का है। कितने अच्छे डिज़ाइंस हैं, तो ये जो शॉप है थाईलैंडी शॉप है, आप देख सकते हो इनके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी देखने को मिल जाएंगी।
मैम हाउ मच हाउ मच ओके 1700 डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाएगा 1700 का आप देख सकते हो कितना मैम इट्स आर्टिफिशियल या सिल्वर ओके तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है कितना प्यारा है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी ये इनका स्टॉल है ये इनका जो स्टॉल है वो थाईलैंड का स्टॉल है आप देख सकते हो ये जो लाइट्स है कितने खूबसूरत है कितने प्यारे हैं बट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी इसलिए मैं उनके पास ना जाके अपने ही फ़ोन से इसको जूम कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस है कलर्स है साइज है